सॉरी सर कि नहीं दे पाऊंगी। मैंने बोला भाई अगर मेरा लेट होता है, मिस होती है फ्लाइट, तो कौन जिम्मेदार होंगे, आप होंगे तो। हालांकि जो जिस बोर्डिंग वाले के पास मैं गया था, मैडम के पास, वो बोर्डिंग मैनेजर थी वहाँ पे, फ्लाइट मैनेजर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उसी से मेरी बात चल रही थी, तो उसने बोला नहीं सर इतनी मिस होगी और सब हो जाएगा, आप यहाँ से फिलहाल दीजिए। तो उन्होंने मुझे शंघाई का बोर्डिंग पास दे दिया। तो मेरे को बोलती है कि सर आपको बोर्डिंग नहीं हम करने देंगे, आपका तो आपको न्यूजीलैंड इमिग्रेशन से बात करनी होगी। ये आपको शंघाई में आपके साथ हो रहा था ये, मतलब सारी चीजें? नहीं नहीं सर, बैंकॉक में मेरे को जब बोर्डिंग स्टार्ट हुई थी कि हमें नहीं लगता कि आप एक जेन्युइन ट्रेवलर हैं और आपकी इंटेंशन एक जेन्युइन नहीं लग रही, तो हम कि आपको बोर्डिंग नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे अलाउ नहीं कर पाएंगे इमिग्रेशन। और फ्रेंड थे, लेकिन कुछ फैमिली इशू के कारण मैं नहीं जा पाया उस समय 3 जुलाई को। तो जो मेरे साथ के लड़के थे 3 जुलाई को जिनको जाना था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, मैं रोबिन दीमान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई देखो, न्यूजीलैंड का वीज़ा काफ़ी आ रहे हैं, लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, कुछ लोगों को बोर्डिंग मना भी हो रही है। तो अभी ये चल रहा है अभी ट्रैवल के बारे में, लेटेस्ट ट्रैवल के बारे में। तो देखो बहुत सारे बंदे ट्रैवल करते हैं, कुछ लोगों का इंटेंशन जेन्युइन भी होता है, कुछ लोगों का नहीं भी होता। तो जिनका नहीं होता उनको मना कर दे तो कोई नहीं, लेकिन कई बार जेन्युइन ट्रैवलर्स को भी प्रॉब्लम इतनी आ जाती है कि उनके साथ गलत हो जाता है। तो अभी मेरे साथ मोनू जी हैं, इनको बोर्डिंग डिनाई कर दी गई। ठीक है, कहाँ से करी कैसे करी ये आपको इसे भी पूरा खुद ही बताएंगे। तो हाँ जी सर, कैसे हो? हाँ जी सर, ठीक है, आप हाँ, कैसे हैं? बढ़िया। तो बताइए मोनू जी कि क्या हुआ आपके साथ, कहाँ से कहाँ आपने ट्रैवल किया, क्या आपका प्लान था पूरा, तो थोड़ा सा बताइए। न्यूजीलैंड में ट्रैवल करना था लेकिन वो हो नहीं पाया। जी जी सर, मेरा प्लान था, मैंने यहाँ से जाना था ऑकलैंड, लेकिन मैंने सोचा चलो जब जा रहा हूँ तो नहीं है, तो मेरे को बैंकॉक से स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट से फ्लाइट मिल रही थी। तो मैंने सोचा चलो इस बहाने मेरा घूमना भी हो जाएगा बैंकॉक में। तो मैंने वहाँ पे 3 डे का स्टे लेके, आफ्टर 3 डे की मैंने आगे फ्लाइट की थी। मेरी एयरलाइन थी ईस्टर्न चाइना एयरलाइन। ईस्टर्न चाइना एयरलाइन, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, उसका लेओवर बैंकॉक से चाइना, चाइना से ऑकलैंड। हाँ जी हाँ जी, और रिटर्न भी सेम था, ऑकलैंड, शंघाई और बैंकॉक। ओके, वापसी भी आपकी बैंकॉक में ही थी? हाँ जी हाँ जी, उसके बाद मेरा सेम उसी समय फिर मेरी इंडिगो की फ्लाइट वापस दिल्ली की थी। ठीक है ठीक है, हाँ जी। तो अब मेरे साथ होता क्या, मैं फ्लाइट में बोर्डिंग के लिए जाता हूँ। कितने की मिली थी आपको ये फ्लाइट जो आप बता रहे हो? ये मेरे को सर इंक्लूड इंडिगो 134 में पड़ी थी। 134 में आपको पड़ी थी ये, इंक्लूडिंग इंडिगो। हाँ, वापस दिल्ली तक। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो फिर जब बैंकॉक एयरपोर्ट से आप बोर्डिंग लेने गए तो क्या हुआ फिर? हाँ, वहाँ पे बोर्डिंग लेने गए तो वहाँ पे 3 लोग और था या कोई और? नहीं, स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पे। ठीक है, वहाँ पे 3 लड़के और थे। ओके, एक हरियाणा, हाँ जी इंडिया थे, एक हरियाणा से था, एक राजस्थान से, एक पुणे से था। ओके, तो जो लड़का पुणे से था उसको यूएस का वीजा भी लगा हुआ था, वो कैलिफोर्निया में स्टडी कर रहा था। अरे वाह, ओके। फिर हाँ जी, वो यूएस भी होके आ रखा था, लेकिन तो वो भी हमारे साथ ही था। तो वो पीछे था, मैं मेरे से आगे एक लड़का था, उसके पीछे मैं था, बीच में कुछ और। कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी आपकी इसके अलावा और कोई? नहीं सर, मेरा फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल था। मैं बैंकॉक रुका, उसके बाद मेरे को आगे था। ठीक है ठीक है। तो होता क्या है, मैं बोर्डिंग स्टार्ट होती है, मैं जाता हूँ वहाँ पे काउंटर पे बोर्डिंग पे, तो वो मेरा पासपोर्ट मांगती है, वीजा टिकट वगैरह सब चीज़ वो लेती है, होटल बुकिंग मांगती है, फिर वो चेक करती है, फिर वो अपने काउंटर से उठ के एक दूसरे काउंटर पे जाती है और फोन लाती है अपना उठा के वहाँ से। अच्छा, ठीक है। और कुछ फोटो वगैरह करती है, उसके बाद वो मेरे को बोलती है कि आपको हम बोर्डिंग पास सिर्फ शंघाई तक का देंगे, वहाँ पे आपको अगेन चेक इन करना होगा और फिर आपको बोर्डिंग पास आगे का वहाँ से मिलेगा। ओके, मैंने बोला ये मेरे लिए एक्टिव हो जाएगा भाई, अब मेरे को लगेज लेना होगा, बाद में मैंने 2 घंटे का लेवर सारा है, मैं लेट हो सकती है फ्लाइट, आप मेरे को यहीं से दीजिए। सही बात है, कह रही मैं सॉरी सर कि नहीं दे पाऊंगी। मैंने बोला भाई अगर मेरा लेट होता है, मिस होती है फ्लाइट, तो कौन जिम्मेदार होंगे, आप होंगे तो। हालांकि जो जिस बोर्डिंग वाले के पास मैं गया था, मैडम के पास, वो बोर्डिंग मैनेजर थी वहाँ पे, फ्लाइट मैनेजर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उसी से मेरी बात चल रही थी, तो उसने बोला नहीं सर इतनी मिस होगी और सब हो जाएगा, आप यहाँ से फिलहाल दीजिए। तो उन्होंने मुझे शंघाई का बोर्डिंग पास दे दिया। ओके ठीक है, आपको भी कि औरों को भी? नहीं, औरों का मैं बताता हूँ आपको। औरों का क्या हुआ, जब मैं आगे निकल गया तो औरों का जब वो चेक इन हुआ तो उनको उन्होंने बोर्डिंग पास ऑकलैंड तक का दे दिया। दोनों को दे दिए। बाद में तो जब डाउट क्रिएट हो जाता मन में, यार मुझे मतलब क्यों मिला, उनको पूरा दे दिया। हाँ हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। अब मेरे को वहाँ पे लग गया, मैंने कहा ये प्रॉब्लम तो चल ही रही है इनका, और मेरे को लगता है मैंने कहा कुछ प्रॉब्लम आ गई है इसमें। मैंने उनसे बार बार पूछा, मैंने कहा कोई डॉक्यूमेंट से प्रॉब्लम है, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो मेरे साइड से चाहिए या कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। Okay, नहीं सर आपको फिर आगे आपको चेक इन करना होगा और उसके बाद आपको बोर्डिंग मिलेगा। ठीक है चलो। अब वहाँ ज्यादा बोल के भी कोई फायदा नहीं है, तो वो सुनते नहीं, वो सिर्फ अपनी सुनाते हैं। बिल्कुल 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 जी। उसके बाद मैं चला जाता हूँ सर आगे। वहाँ पे फिर हम बैठे हुए थे, अपना बोर्डिंग का हमारा स्टार्ट नहीं हुआ था तो हम वेट कर रहे थे। तो वहाँ हमारी बातचीत हुई आपस में, तो पता चला कि उनको शंघाई का एयर दे दिया उन्होंने, ऑकलैंड का भी दे दिया, दोनों बोर्डिंग पास दे दिए। ठीक है। जब बोर्डिंग स्टार्ट होती है तो फिर वहाँ पे उन्होंने क्या कर रखा था, जो लिस्ट थी पैसेंजर की उसमें उन्होंने मेरा नाम नोट कर रखा था ऊपर पेन से, पासपोर्ट नंबर वाइज 2-3 का और नोट था, पर पता नहीं वो क्या था, लेकिन मेरे वाले उन्होंने मेरे को साइड में कर लिया। फिर वही लेडी दोबारा से काउंटर पे आती है जो मेरे को बोर्डिंग के समय मिली थी, वही वहीं पे। तो मेरे को बोलती है कि सर आपको बोर्डिंग नहीं हम करने देंगे, आपका तो आपको न्यूजीलैंड इमिग्रेशन से बात करनी होगी। ये आपको शंघाई में आपके साथ हो रहा था ये, मतलब सारी चीजें? नहीं नहीं सर, बैंकॉक में मेरे को जब बोर्डिंग स्टार्ट हुआ, मैं बोर्डिंग गेट पे जब आप पहुंचे वहीं पे बोले। हाँ गेट पे फाइनल जाना था तो वहीं पे। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आपको बोर्डिंग हम नहीं दे पाएंगे, आप न्यूजीलैंड इमिग्रेशन से बात कीजिए। तो उस दिन सर संडे था, तो व्हाट्सएप पे मैंने चेक किया, वो नंबर व्हाट्सएप पे था नहीं और मैं इंटरनेशनल कॉल वहाँ से कर नहीं पाया। ठीक है। तो मेरी बात नहीं हो पाई न्यूजीलैंड इमिग्रेशन से। मैं उनसे काफी लेट तक खड़ा रहा, भाई प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बताओ, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, कौन जिम्मेवार होगा, और मैं तो इतना पैसा लगा के इसमें जा रहा हूँ, ये नुकसान कौन भरपाई करेगा। बस उनका जवाब, सॉरी सर, कॉन्टेक्ट टू न्यूजीलैंड इमिग्रेशन। उनका एक ही रटा रटाया, उनका एक ही बात थी। और जो बंदे दूसरे थे वो चले गए? वो सर उनका हो गया, वो चले गए। अच्छा। उसमें से एक लड़के का नंबर मैंने शेयर कर लिया था उससे, कॉन्टेक्ट नंबर, तो उससे मेरी बातचीत हुई। तो मेरे को, मैं वापस अपना बैंकॉक, फिर मेरे को जब फ्लाइट निकल गई मैं वापस आ गया अपने होटल, उन्होंने मेरे का फिर वापस कराया एयरपोर्ट से बाहर, तो मैं अपना होटल आ गया वापस बैंकॉक। तो मेरे पास उसका शाम को जब वो शंघाई में पहुंचते हैं तब मेरे को उनका फोन, एक लड़के का मैसेज आता है कि यार इधर कुछ लोचा हो गया और ये हमको भी की बोर्ड नहीं करने दे रहे। उन तीनों को उन्होंने वहाँ पे रोक दिया। उसके बाद वहाँ पे उनको शंघाई में रोक लिया। उसके बाद उनको शंघाई में रोकने के बाद न्यूजीलैंड इमिग्रेशन से उनकी बात कराई गई। अच्छा, न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की बात, हाँ जी हाँ जी, उनके फोन पे बात कराई। तो उनमें से जिस दिन बात की उन्होंने मुझे बताया कि वो ये बोल रहे थे कि हमें नहीं लगता कि आप एक जेन्युइन ट्रेवलर हैं और आपकी इंटेंशन एक जेन्युइन नहीं लग रही, तो हम कि आपको बोर्डिंग नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे अलाउ नहीं कर पाएंगे इमिग्रेशन। उसने बोला कि, उस लड़के ने बोला कि भाई आप कैसे जज कर सकते हो फोन पे कि मैं जेन्युइन हूँ नहीं हूँ, आप फोन पे जज कर रहे हो, जबकि आपने तो मेरे को, मेरा डॉक्यूमेंटेशन चेक करके मेरे को वीजा दिया है, तब क्यों आप ये प्रॉब्लम क्यों आई? कि नहीं नहीं सर अभी नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो जहाँ तक सर, हाँ सर, वो फोन पे टेलीफोनिक उनको मना किया और साथ के साथ उनके तीनों के वीजे कैंसिल कर दिए। अच्छा। उसके बाद सर जब मेरे को उन्होंने बताया थे उनका भी सेम सर यूएस वाले से ही मेरी बात हुई थी, उसने मेरे को बताया कि मैंने उनको पूछा, अच्छा हाँ जी, इमिग्रेशन वाले को पूछा कि आप टेलीफोनिक पे ही कैसे जजमेंट कर सकते हो कि मैं जेन्युइन नहीं हूँ, जबकि मैं यूएस पे ट्रेवल कर चुका हूँ। सही बात है यार। हाँ, तो सर एक्चुअली उसको तो रोकने का नहीं बनता था। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको यूएस वाले को भी रोक लिया उन्होंने। अब वो बात यहाँ होती है कि उसने, उस लड़के का कहना ये है कि मैं बहुत फ्लाइट कर चुका हूँ, इंटरनेशनल कहीं और भी जा चुका था, उसका मतलब 3-4 ट्रिप था ये इंटरनेशनल। तो ये कह रहा था कि ये सिर्फ एयरलाइन का फॉल्ट है, इन्होंने इमिग्रेशन को रिकमेंड किया है कि हमें ये ठीक नहीं लग रही, सिर्फ इमिग्रेशन इनकी बात को मान के हमें गलत साबित कर रही, ऐसा कुछ वो था वहाँ पे। तो वापस वो फिर उन लोगों को वहाँ से उन्होंने वापस किया, जिसका मुंबई पास था उसको मुंबई एयरपोर्ट करा, बाकी दिल्ली एयरपोर्ट भेजे उन 2 लड़कों। उसके बाद सर मैंने अपना वीज़ा चेक किया ऑनलाइन रियलमी अकाउंट पे, मेरा वीज़ा एक्टिव था। मेरा वीज़ा अभी भी, मैंने रिसेंटली पीछे कुछ चेक किया तभी, अभी भी एक्टिव है वीज़ा। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि जिससे इमिग्रेशन की बात हो जा रही और एयरलाइन रिकमेंड कर दे रही कि भाई ये थोड़ा हमें ठीक नहीं लग रहा, तो उसका वीज़ा भी वो कैंसिल कर दे रहे, उसका वीज़ा कैंसिल हो जाता है। टचवुड मेरा इतना ठीक रहा कि मेरी बात नहीं हो पाई इमिग्रेशन से, तो वीजा एक्टिव है। हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। तो भाई अच्छा ये बताइए रमन जी कि आपने पहले वीडियो नहीं देखी थी क्या, मतलब वीडियोस आपने पहले नहीं देखी थी कि यार ऐसी कुछ प्रॉब्लम चल रही है? सर मैं देख के गया था, बिल्कुल मेरे को पता था मलेशिया एयरलाइन और सिंगापुर एयरलाइन प्रॉब्लम कर रही है, तो इसलिए मैंने अपना रूट हांगकॉन्ग ये शंघाई वाला चुना, इससे चुना था। ईस्टर्न थोड़ा यूनिक एयरलाइन थी और यूनिक था, लेकिन वो काम नहीं कर पाया वहाँ पर, काम नहीं कर पाया क्योंकि एक्चुअल में मेरे हिसाब से जो भी जितनी भी एयरलाइन है ना सबको अलर्ट है ये कि भाई अगर आपको कोई डाउटफुल लगता है तो आप उसको स्ट्रेट अवे मना कर सकते हो, जो भी बात करा के। लेकिन कुछ बंदे देखो भाई ये भी बोलते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात होती नहीं है एयरपोर्ट पे, कौन ऐसे इमिग्रेशन बात करता है, ये बंदे कमेंट में करते हैं कई बार कि ऐसा कुछ नहीं सर मेरे को पहले 3 जुलाई को फ्लाई करना था, उसमें मेरे साथ मेरे 2 लड़के और फ्रेंड थे, लेकिन कुछ फैमिली इशू के कारण मैं नहीं जा पाया उस समय 3 जुलाई को। तो जो मेरे साथ के लड़के थे 3 जुलाई को जिनको जाना था, उनका फ्लाइट था मलेशिया एयरलाइन से। अच्छा, वो बैंकॉक चले गए, 2 दिन बैंकॉक रुके सर, उसके बाद उन्होंने कैथे पैसिफिक एयरलाइन बुक की और उनको कोई इश्यू नहीं आया सर, नॉर्मल वो पहुंच गए न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन में वो ये बता रहे थे कि बिल्कुल इजी है। आपको क्या लगता है कि ये क्या है माजरा है पूरा? आपने चलो देखो आपने फेस करी है ये चीज, आपको कुछ ना कुछ तो लगा होगा यार ये इस वजह से ये हो रहा है। सर जहाँ तक मेरे को लगता है ये एयरलाइन का ही है मनमर्जी का, और इनको अथॉरिटी तो दी हुई है पक्का इमिग्रेशन ने, भाई आपको अगर डाउटफुल लगता है। पर सर डाउटफुल भी मेरी समझ में नहीं आता है जजमेंट कैसे करते हैं, या तो ये इंडियंस है पाकिस्तानी को जज कर रहे हैं कि भाई इन दोनों को। बाकी हमारे साथ जो उस एयरलाइन में सिर्फ हम 4 लोग इंडियन थे सर, ईस्टर्न चाइना में 4 इंडियन थे, बाकी और कोई इंडियन नहीं था उस फ्लाइट में, पूरी फ्लाइट में। ओके ओके, तो भाई देखो ये अभी ना देखो जो भी लेटेस्ट ट्रैवल करते हैं या फिर जो भी जिनको भी बोर्डिंग मना होती है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आप लोगों को। अब इसका देखो इनका ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और इनके साथ ये हुआ है ये जो इनकी चाइना से जो एयरलाइन थी, इनकी कौन सी एयरलाइन थी आपकी? मेरे साथ चाइना ईस्टर्न एयरलाइन। हाँ चाइना ईस्टर्न एयरलाइन थी। तो बहुत बंदे ये भी सोच रहे होंगे है ना, जैसे आपने सिंगापुर मलेशिया का तो काफ़ी लोगों को पता है, चलो हमने वीडियोस भी डाली थी, लेकिन बहुत सारे लोग इसके बारे में भी सोच रहे होंगे और हो सकता है कि हो चुका होगा कि भाई काफ़ी लोगों को मना भी हो गया होगा है ना, बोर्डिंग डिनाई भी हो गई होगी। जैसे आपको भी हो गया, आपका इंटेंशन सही था। तो भाई ये ऑलमोस्ट हर जगह चल रहा है, ठीक है, बट आपको प्रिपेयर। मेरे पास तो सर रिटर्न मेरा फर्स्ट डे ऑकलैंड का था जी, फर्स्ट डे मेरा ऑकलैंड में स्टे था, होटल कंफर्म थी। उसके बाद मेरे को टोपो लेक जाना था नेक्स्ट डे, फिर मेरा 2 दिन का स्टे उधर था। फिर मेरे को सर टुरंगी, हाँ फिर टुरंगी जाना था, वो मेरा पूरा पेड होटल था। और कितना उनको मतलब बर्बाद हो गया होगा ऑलमोस्ट सर? अप्रोक्स अभी मेरा लगभग 48,000 में तो सर मेरा होटल हुए थे, 130 की फ्लाइट थी, बिल्कुल ऑल ओवर 160। उसमें से सर मेरे को अभी रिटर्न आज ही उनका रिटर्न आया सुबह मॉर्निंग में। अच्छा, मेरे को उनका जो हाँ रिटर्न, लेकिन आप ये मान के चलो मेरे को 66,000 उन्होंने रिफंड किया है। हाँ मतलब हाफ से भी कम कर दिया। बिल्कुल सर उन्होंने 40% रिटर्न किया मेरे को, 38-40। तो फिर आप जैसे उन्होंने आपको मना कर दिया, आप एयरपोर्ट के वापस बाहर आ गए? हाँ सर मैं बाहर आ गया। फिर वहाँ तो कोई मतलब ही नहीं, टिकट लेके फिर आप वापस इंडिया आ गए? हाँ सर फिर मैं सर उधर रुका। फिर सर मैं क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे बैंकॉक में, तो फिर मैं 2 दिन और एक्स्ट्रा उधर ही रुका, फिर उधर ही अपना घुमा। फिर मैंने कहा फिर चलता हूँ इंडिया वापस, तो मैं इंडिया आया फिर। ओके 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 ओके, तो अब आप सजेस्ट क्या करोगे लोगों को कि भाई ये जो चाइना ईस्टर्न एयरलाइन से ट्रैवल करे या ना करे? सर मैं तो बिल्कुल मना करूँगा। आप बिल्कुल भी चीप फ्लाइट के मतलब इतना खर्चा करके जा रहे, तो चीप फ्लाइट के चक्कर में तो कोई भी ना पड़े, अच्छी एयरलाइन की फ्लाइट ले, बुक कराए अपना। ये एमिरेट्स हो गया सर, और कैथे पैसिफिक भी बहुत अच्छा रिव्यू है कैथे पैसिफिक का, ये अच्छी फ्लाइट। महंगी है सर, 1,80,000-1,70,000 समथिंग जा रहा है अभी। बिल्कुल, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगा अगर किसी को ट्रेवल करना है तो 2 एयरलाइन ये ले, बाकी नहीं। तो भाई देखो कुछ बंदों के पर मेरे पास मैसेज भी आए थे कि बैंकॉक से जा सकते हैं क्या, तो आपने रिजल्ट देख ही लिया है कि क्या रिजल्ट मिला है? तो थोड़ा सोच समझ के अपना ट्रैवल प्लान करो भाई, और जिसको भी जाना है तो थोड़ा अच्छे से अपनी सारी आइटनरी है जो भी आपकी फाइलिंग हुई है उससे अपने आप को रेडी करके और प्रॉपर आप रेडी होके तभी जाओ। अगर ऐसे लूप होल रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। कुछ लोग बोलते हैं ना आइटनरी अपना रीड कर लेते हैं, होटल नाम अपना रीड कर लेंगे, मैं इसके डेट को यहाँ रहूँगा। उन्होंने पूछना ही नहीं, एयरलाइन ने तो सर कुछ भी नहीं पूछना आपको। अगर उन्होंने आपको बोर्डिंग नहीं देनी तो नहीं देनी, वो फाइनली जजमेंट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, फिर वो आपके बाद आप लड़ो नहीं, फिर कोई मतलब ही नहीं है, बहस करके भी कोई मतलब नहीं है सर। मैं तो नहीं मानता कोई बहस करके उनको क्रॉस किया हो। नहीं करेगा। अगर एक बार उन्होंने मना कर दिया तो फिर अगर आप बैंस करोगे तो मेरे हिसाब से तब भी नहीं, वो जाने ही नहीं देंगे। उनका फाइनल है सर, फाइनल बिल्कुल ठीक है जी। तो भाई देखो ये आपको लेटेस्ट अपडेट पता चली अभी, तो इसको शेयर कर देना भाई आप लोग, और आपका कोई भी डाउट रहता है तो इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, आपको डिटेल सारी वहाँ पे रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।